तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं उन मुद्दों पर आऊं जिन्हें लेकर आप सुर्खियों में रहे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूं, जैसा कि मैंने कहा, आप सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, ये जो चुनाव है सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारत के लिहाज से, और आपने तो कितने ही चुनाव देखे हैं, ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये आपको पिछले चुनावों से किस तरह अलग दिखाई दे रहा है, और विपक्षी गठबंधन के लिहाज से आपको क्या चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कोई चुनाव नहीं देखा आज तक, किसी वजीर आजम को नहीं देखा जो नफरत की जबान इस्तेमाल करे, जो लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात करे। ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हम लोग इकट्ठे रह सकते हैं, क्या हम लोग इकट्ठे चल सकते हैं, जो महात्मा गांधी का हिंदुस्तान क्या उसको बना सकते हैं। वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज आईन को खतरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर। आज कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में है, जिस तरह ये चल रहे हैं, एक नेशन एक इलेक्शन कैसे हो सकता है? हम लोग कितनी भाषाएं बोलते हैं, कितने हमारे धर्म हैं, कितने हमारे तहजीब के ताल्लुकात हैं। अरे बताइए मुझे, मैं कश्मीरी हूँ, मेरा और मद्रासी में क्या है? न जबान है, न उनका जो पोशाक पहनते हैं वो है, न जो मैं खाना खाता हूँ वो है, न मेरा कल्चर उनसे मिलता है। फिर क्या है जो हमें जोड़ता है? सिर्फ एक बात कि इकट्ठे हम भारत को बना सकते हैं, इसको आगे ले जा सकते हैं, और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यही हाल है असम में, देखिए उनकी ज़बान, देखिए महाराष्ट्र में, देखिए गुजरात को, देखिए हर जगह देखिए। हिंदुस्तान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इस डाइवर्सिटी को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं और इस डाइवर्सिटी को मजबूत नहीं बनाएंगे, हम हिंदुस्तान को नहीं बना सकते, हम भारत को मजबूत नहीं बना सकते। आपने हर एक धर्म की इज्जत करनी है, हर एक प्रांत की इज्जत करनी है, हर एक लोगों की जो उनकी मसाइल हैं उनको देखना है। हमें सिर्फ एक को नहीं देखना, भारत सबके लिए है, बराबर है। जब भारत आज़ाद हुआ तो क्यों नहीं है हिंदू देश बन सकता था? नहीं बनाया। हमारे लीडरों ने कहा उस वक्त कि नहीं, हम लोग सब हैं और सब ने इस देश में बसना है और इस देश में रहना है, तब लोग रहे। मौलाना आज़ाद ने बड़ी आवाज़ में कहा, मेरे वालिद शेरी कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, हम लोग पाकिस्तान जा सकते थे, वहाँ से नारा तकबीर का नारा मारा जाता था, हमारी सरहदों को छोड़ दीजिए, हमारे शहर के करीब पहुँच गए थे। क्या बात है कि हमने पाकिस्तान को नहीं कबूल किया और महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को कबूल किया? क्योंकि इसमें हर धर्म इकट्ठे था। हमारे हिंदू कहाँ जाते, हमारे सिख कहाँ जाते, हमारे छोटे से ईसाई कहाँ जाते, हमारे बौद्ध कहाँ जाते? इसलिए हमने उस वक्त मिलके बैठ गए और कहा नहीं, हमारा रास्ता यहाँ का है, और उस रास्ते को बनाने के लिए हमने कुर्बानियाँ दी। जब यहाँ आतंकवाद शुरू हुआ, कौन मरे? हमारे लोग मरे, मेरे मिनिस्टर मरे, उनका गोश्त मैंने दरख्तों से उठाया है, हमारे गरीब से गरीब वर्कर जिसे कुछ भी नहीं था उसको गोली का शिकार करना पड़ा, शहीद हो गया। किस लिए? भारत की एकता के लिए। मगर जो भारत आज हम देख रहे हैं और जिस नफरत को ये बढ़ा रहे हैं, इससे हमें डर लग रहा है कि ये वो भारत नहीं है, इस भारत को खतरा है। मुसलमान का क्या है? क्या वो भारतीय नहीं है? उस पर कितना जुल्म किया जा रहा है आज कि उसे ऐसे जैसे मिट्टी में मिलाना है, उसको उसका कसूर क्या है? वो भी तो भारतीय है, वो आपसे किसी का धन नहीं चाहता, वो कहता मेरा हक दो मुझे, बस जो मेरा हक कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो दीजिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये उसकी बात नहीं करते, इसकी बात नहीं करते कि यहाँ कितने बच्चे और बच्चियाँ पढ़ी लिखी बेकार बैठी हुई हैं, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने सारी बड़ी बड़ी तालीमें पढ़ के बेकार हैं। नहीं देखते कि साहब इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई है, आज गरीब क्या खाना खा सकता है?
उसके पास है वो साधन कि वो खाने का तेल खरीद सकता है, यहाँ तक दाल इतनी मुश्किल हो गई उसके लिए खरीदने के लिए। याद है आपको जब कोविड हुआ, रेल बंद कर दी गई, सब बंद कर दिया गया, हजारों मील लोगों को खुद आना पड़ा और जो उनके साथ रिश्तेदार मुर्दा हो गए थे उनको अपने कंधों पर लाद के वो घर पहुंचे। क्या याद है, क्या लोगों को याद है, क्या रेल जरूरी बंद करनी थी उस वक्त, या जो डीमोनेटाइजिंग की उसका नुकसान लोगों को नहीं हुआ, इकोनॉमी का नुकसान नहीं हुआ? ये जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी बनेंगे, कैसे बनेंगे अगर हम लोग इकट्ठे नहीं रहे, हम लोग इकट्ठे आगे नहीं चले और हम धर्मों की लड़ाइयाँ लड़ते रहे तो कैसे बनेगा? तब बनेगा ना जब हम सब इकट्ठे होंगे, जब हम सब एक दूसरे की सोचेंगे। मेरा धर्म तो कभी ये नहीं कहता कि दूसरा धर्म खराब है, वो तो कहता अगर उस धर्म की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी इज्जत कौन करेगा, तुम्हारे धर्म की कौन इज्जत करेगा। आज ये इसके बजाय जो हमारी मुश्किलात है उसकी तरफ देखें, ये धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू औरतों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे उसको मुसलमानों को देंगे, अगर तुम्हारे पास दो घर होंगे एक घर इनको दिया जाएगा, अगर तुम्हारे पास दो भैंसें होंगी एक भैंस इनको दी जाएगी। अरे किसने कहा, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या मैंने मांगा उनसे कि मुझे इनका दो? किस लिए डरा रहे हैं, क्या कुर्सी इतनी ज़रूरी है कि जिसमें हमने हिंदुस्तान को तोड़ कर रखना है? ये मुझे आज डर इस बात का। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि वो नफरत की राजनीति करते हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं, उनका कहना है कि जो उनका स्टेटमेंट आया था वो स्टेटमेंट दरअसल कांग्रेस की जो नीति थी और जिसे वो कहते हैं तुष्टिकरण की नीति थी उसके खिलाफ आया था। वो कहते हैं कि मैं तो मुस्लिम मोहल्ले में रहा हूँ, आपने वो लेटेस्ट स्टेटमेंट भी उनका सुना होगा, और वो ये कहते हैं कि बता दें आप जो मैंने योजनाएं चलाई हैं उनमें अगर मैंने भेद किया हो हिंदू या मुस्लिम का, उस पर आप क्या जवाब देंगे? मुझे ये बताएंगे क्या इनका ये स्टेटमेंट नहीं है कि मुसलमान फॉरेनर्स हैं, बाहर से हैं, क्या उनका स्टेटमेंट है या नहीं है? उनने खुद अपने जबान से कहा नहीं, नहीं कहा उनने, ये नहीं कहा कि मुसलमान यहाँ के नहीं हैं, और फिर कहते हैं मैं उस मुसलमान महल्ले में रहा हूँ। क्या वो गोधरा भूल गए, हाशमी को भूल गए, जिसने चिल्ला चिल्ला के गुजारिश की कि मेरे घर पे हमला हो रहा है, हमें मारा जा रहा है? उस वक्त कहाँ गई थी इसकी वो मुसलमानों के लिए मोहब्बत, कहाँ गई थी? ये कांग्रेस में तो बहुत कुछ कहते हैं, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया, इस्तेमाल किया? मुसलमान कुछ मांगते नहीं है, मुसलमान सिर्फ अपना हक मांगते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। हम किसी को डराते नहीं हैं, क्या ज़रूरत थी पड़ी वज़ीर आज़म को ये कहना कि तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे? वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं, क्या उसके अल्फाज नहीं हैं कि देखो अगर तुमने दाल में भी कुछ रखा होगा डब्बे में उसका एक्सरे होगा? कहा उनने या नहीं कहा? हम तो इंसान का एक्सरे नहीं करते हैं, क्या अब हमें दाल का एक्सरे करना है? क्या बात कहते हैं आप, कहती है एक बात है और फिर दूसरी बात उस पर फिर कहते हैं नहीं मैंने नहीं। ये झूठ की सरासर झूठ है, हर वक्त झूठ बोला है, कभी सच्चाई की तरफ नहीं गए। आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो जो योजनाएं लाई उन योजनाओं में मुस्लिम भाइयों बहनों को भी, चाहे उनकी वो पीएम आवास योजना हो, चाहे वो उनका आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड हो, चाहे वो उनकी पेंशन निधि योजना हो, वो कह रहे हैं मैंने कभी डिस्क्रिमिनेट ही नहीं किया धर्म के आधार पर। वो कहते हैं कि एक योजना मेरी बता दीजिए। तो बताइए मुझे, अगर वो कहते हैं मैंने धर्म के कुछ नहीं किया, फिर क्या वजह है कि उन्हें ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े कि मुसलमान बाहर का है यहाँ का नहीं, क्या वजह है बताइए मुझे, फ़र्क है उसमें या नहीं है? मैं नहीं कह रहा, वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं इनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। किसने कहा? उस पर उन्होंने कहा कि मैंने गरीबों की बात की थी, मैंने किसी धर्म विशेष की बात नहीं की थी।
उन्हें वो स्टेटमेंट्स खुद पढ़ने चाहिए जो वो करते हैं। वो कहते एक बात है, करते दूसरी बात। लेकिन क्या कोई ऐसी योजना आपने देखी या आपने ऐसा कुछ देखा कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया बेनिफिशरीज पे, उन्होंने फायदा नहीं पहुंचने दिया मुस्लिम्स को? फिर उनको अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी ऐसी, बताइए मुझे। निशाना तो मुसलमानों पे किया ना, क्या जरूरत थी मुसलमानों पे निशाना करने की? अफसोस आपने कल का वो वीडियो नहीं देखा जो मैंने देखा, एक मुसलमान चिल्ला चिल्ला के रोकते हुए कहता है यूपी में, कहता आज मेरी जिंदगी का यह हाल है कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं दवाई नहीं खरीद सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आज पर जितना मुझ पर जुल्म किया जा रहा है क्या मैं यहाँ का नहीं हूँ? मुझे रोना आया जब मैंने वो वीडियो देखा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैंने कहा खुदाया रहम कर हम पे। क्या उनने नहीं देखा वो, क्या वो नहीं देखते? लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो मुसलमानों पर जुल्म का ये जो पूरा नैरेटिव है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश से मैं भी आती हूँ, वेस्टर्न यूपी से मैं आती हूँ, डॉक्टर साहब पहला सवाल आता है क्या कोई पार्टी डिस्क्रिमिनेट कर रही है कानूनी आधार पर, संवैधानिक आधार पर? जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, तो एट द सेम टाइम वो डेटा भी आता है जिसमें हिंदूज आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 8% एंड मुस्लिम्स आर फ्लरिशिंग। आई एम नॉट सेइंग वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट व्हेन यू सी 43%। देखिए मुझे बताते हैं वो कि आप कौन सा खाना खाओगे, आप कौन से कपड़े पहनोगे, आप किस तरफ चलोगे, कैसे नमाज पढ़ोगे। आपने देखा वो वीडियो जहाँ नमाजियों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, वो देखा आपने? क्या हमें हक नहीं है अपने मज़हब को समझने की, उस पर नमाज पढ़ने की? क्या नहीं है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि जिस मज़हब से आप हो आप उसको प्रोपगेट कर सकते। हमारी मस्जिदों पर हमला नहीं किया गया, क्या यात्रा वहाँ से निकाली नहीं गई जहाँ मुसलमान रहते हैं? क्या आपने नहीं देखा कि दाढ़ी काटते हुए लोगों को और ये कहते हुए कि जय राम बोलो, देखा नहीं? लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि हम यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, मुसलमान को देखा कि हिंदू को पकड़े और उसे कहे कलमा पढ़ो, या उसे कहे हमारे तरफ चलो और अल्लाह का जिंदाबाद कहो, किसी मुसलमान को देखा आपने? सर ये एक वॉर ऑफ नैरेटिव है, जैसे अभी आपने कहा कि ये मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालते हैं, अभी आपने एक भारत का जिक्र किया जो गांधी का भारत था जिसमें दोनों रिलीजन साथ रहते थे, आप ये कहते हैं कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालते हैं, ये कहते हैं शोभा यात्रा पर पथराव होता है। मैं अगर बाहर से दोनों पक्षों को देखूँ और सुनूँ तो सवाल ये है कि अगर आपको शिकायत है तो उनको भी तो शिकायत है, बैठ कर तो आप दोनों को ही सॉर्ट आउट करनी है। वो कहते हैं पथराव होता है, वो कहते हैं कैसे करेंगे जब खुद ही हुकूमत के लोग नफरतें पैदा करें तो कैसे आप मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करेंगे? कैसे? पहले तो मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो कि हम सब यहाँ के हैं, वासी हैं, हमने यहाँ रहना है, यहाँ बसना है, हम तो दफन यहाँ होते हैं, इसी मिट्टी में जाते हैं जिससे हम आए हैं। फिर हमसे कहा जाए नहीं तुम इस मिट्टी के नहीं हो, अफसोस तो मुझे इसी बात का है। लेकिन डॉक्टर साहब किसने कहा कि ये देश आपका नहीं है? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो बताते हैं ये पहनो ये खाओ ऐसे चलो वैसे चलो, मेरे बहुत सारे जानकार हैं, मैंने आपको क्यों लगता है ये, मतलब ये चीज़ कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो UCC की बात ज़रूर करते हैं लेकिन उसमें सबके लिए, लेकिन उसमें वो ये नहीं बताते आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। UCC और जो बात आप कह रहे हैं सर, उसमें तो फ़र्क है ना। क्या हम UCC इस बात का हम लोग देख नहीं रहे किस बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं? देख नहीं रहे, हम देख नहीं रहे कि कहाँ पहुँच गया, कहाँ थे, कहाँ हैं, किसलिए? राजनीति के लिए, उस राजनीति का फायदा
इसमें हम इंसान को इंसान नहीं समझे। शाह जी के खिलाफ अगर हम नफरतें पैदा करते रहे कुर्सियों के लिए तो भारत बना सकेंगे? क्या भारत बनेगा? आपको लगता है यूसीसी बर्बादी का प्रतीक है? आपको ये कह रहे हैं मुझसे? देखिए मैं आपसे कहता हूँ, आप खुद देखिए, हमारे सेक्रेटेरिएट को देखिए, सब बाहर से। क्या जम्मू कश्मीर के लोग इतने काबिल नहीं है कि वो कुर्सियों पर बैठ सकते थे? डीसीज एसपीज बाहर से लाए गए, क्या हमारी रियासत में ऐसे लोग नहीं हैं जो रियासत चलाते थे? मेरे वालिद के वक्त से ये यहाँ था, क्योंकि यहाँ मिक्स पॉपुलेशन है, कि डीसी अगर हिंदू होगा तो एसपी मुसलमान था। फिर अगर वहाँ आपकी शिकायत पूरी नहीं हो सकी, यहाँ पे आपकी शिकायत पूरी हो सकी, फिर लोगों के मसले जो हैं हल हो सके। नहीं वो बात ठीक, वो एक अलग मुद्दा है डॉक्टर साहब, लेकिन यूसीसी जो आप हमें घबराती हैं, हम लोग घबरा रहे हैं, डर लगता है मुझे। क्यों डर लगता है आपको? क्योंकि इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी, कोई भी पिस्तौल उठा के मार सकता है आपको। सर मैं और आप डॉक्टर साहब, अगर आप गाय लेके, आपने खुद देखा होगा लोग गाय लेके चल रहे हैं, उन पर हमला नहीं किया गया? आपने वो वीडियो देखा जहाँ उस हिंदू पुलिस अफसर को उन्होंने मार डाला क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा था मुसलमानों को? वो नहीं देखा आपने? डॉक्टर साहब जो एग्जांपल्स आप मुझे गिना रहे हैं, पहले मैं उस पर बाद में आऊँगी, सबसे पहली बात तो आपने भारत का जिक्र किया और मुझे क्यों लगता है भारत खतरे में नहीं है, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप बैठे हैं और मैं भी बैठी हूँ। मैं अपना रिलीजन अक्सर नहीं लेके आती किसी भी डिस्कशन में, आपने अपना रिलीजन बताया, मेरा रिलीजन आप जानते हैं, लेकिन आज भी हम दोनों एक टेबल पर आकर बात कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं और मैं अपनी बात रख रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है इस इंटरव्यू के बाद भी आपको भी पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी और मुझे भी पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी क्योंकि हम दोनों ने ये डिस्कशन किया है। तो ये मुझे लगता है कि जब आप हिंदुस्तान के आईन की बात करते हैं तो वो राजनीति से थोड़ा सा परे होना चाहिए, या जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा राजनीति से परा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक रिमोट एरिया में बैठा व्यक्ति है वो शायद उसी सिस्टम पर भरोसा करता है। मैं और आप तो जाके लड़ सकते हैं, लेकिन एक वो व्यक्ति जो एक डोर बांधे हुए है विश्वास की सिस्टम में, जब मैं और आप इस तरह की बात करते हैं तो वो डोर टूटती है उसके हाथ से। आपको सुनाओ क्या भारत को बचा रहा है? क्योंकि साइलेंट मेजॉरिटी जो है वो इस बात से नफरत करती है, वो साइलेंट मेजॉरिटी जो है वो चाहती है कि हम इकट्ठे रहें, हम इकट्ठे चलें, मगर अफसोस ये है उनकी कोई बात सुनता नहीं है। सब ये भी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास सबका विकास। अरे देखिए ना उन इलाकों में जहाँ ये लोग रहते हैं उनका कितना विकास हुआ, जाइए, मैं नहीं कहूँगा, खुद देखिए डॉक्टर। मैं आप जब दिल्ली आएंगे इस बार डॉक्टर साहब तो मैं आपको लेकर चलूँगी, मैं वेस्टर्न यूपी की हूँ, मुरादनगर एक कस्बा है उसके पास मेरा गाँव है और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर पास में ही एक गांव है उसका नाम है पसौंडा, और जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे आई एम श्योर वो ज़रूर देखेंगे। तो जो ये मैं थोड़ी देर पहले आवास योजना की बात करी थी डॉक्टर साहब, मुझे कितने ही जो मेरे वहाँ पर जानने वाले हैं पसौंडा में, मैं ये नहीं कहती मुस्लिम इलाका है या हिंदू इलाका है, बट क्योंकि हम ये डिस्कशन ओपन हार्टेडली, आपने कहा कि उन इलाकों में जाकर देखो, पसौंडा में कितने ही मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जिनको पक्के मकान मिले और वो बहुत खुश है। तो शायद ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव है पैदा कर रहा है, मुझे ये बताइए अगर वो बिल्कुल खुश हैं तो नफरत कौन पैदा कर रहा है? कोई ना कोई तो नफरत पैदा कर रहा है, कोई ना कोई तो डर पैदा कर रहा है, कौन है बताइए मुझे कौन है? आप कह रहे हैं कि वो डर पैदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम विश्वास पैदा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहूंगी आप लोगों के बीच, अगर विश्वास पैदा कर रहे हैं तो डर क्यों है? अगर विश्वास पैदा कर रहे हैं तो डर क्यों है? डर किस लिए? वो कहते हैं कि नेता राजनीति जानबूझकर
एक डर लोगों के मन में जनरेट करना चाहती है, क्योंकि एक आम मुस्लिम जो है वो राजनीति को क्लोजली समझता है, उसके पास योजनाओं के फायदे जा रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, एक बेहतरीन 21वीं सदी में एक अच्छा फ्यूचर वो चाहता है, कम्पीट करना चाहता है। सिविल सर्विसेज इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जिस तरह से फिर अगेन मैं कहूँगी, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहती, लेकिन जो हम एक बात कर रहे हैं, और ये मैं दोनों ही नैरेटिव्स की बात यहाँ पे डॉक्टर साहब कर रही हूँ, इसमें कोई आपका नैरेटिव राइट या उनका नैरेटिव गलत या उनका राइट इनका गलत की बात नहीं है। मेरा कंसर्न जो है वो ये है कि हर चीज होती है एक स्केल पर, बट उसको जो ये मैग्नीफाई ग्लास से प्रोजेक्ट किया जाता है, वहां पर एक जो आम व्यक्ति है उसका विश्वास हिलता है और भारत की एक ऐसी छवि उभर कर आती है जो एक्चुअली नहीं है। भारत आज भी गांव में आप जाएंगे, मेरे गांव में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मैंने नहीं सुना वहां पे कोई राइट है। मैंने कभी यह नफरत पैदा नहीं, मैं मुसलमान घर से पैदा हूं, मैंने कभी नफरत का नाम मेरे घर में नहीं सुना। मेरे दोस्त हिंदू थे, आज भी हैं। पहली दफा 10वीं जमात में मैं एक पंडित घर में गया खाना खाने, मेरा बाप यहाँ वजीर आजम था, वो पुरोहित था एक मंदिर का, और पुलिस में भी वो सब इंस्पेक्टर था। मैं उसे घर गया, जब माँ ने खाना परोसा तो यहाँ पे एक बात होती थी, अब तो वो सवाल खत्म हो गया, वो सेंट्रम सेंटोरम होता था, उसको ये लिपाई करते थे गोबर से और मिट्टी से, खास मिट्टी से। वहाँ बेटे को वहाँ बिठाया, मुझे बाहर बिठाया, मैं उठा, मैंने वो चौकी और थाल उठा के वहाँ बैठ गया। माँ कहने लगी, त्राहि भगवान त्राहि भगवान। मैंने कहा, माँ इसमें मन में क्या कर, क्या मेरे पास 20 उंगलियाँ हैं, क्या मेरे पास 4 आँखें हैं? मैं और ये माँ ने मान लिया। माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा बैठो आराम से। ये थी मेरी नीति, मैंने कभी फर्क नहीं सोचा, आज भी सड़क नहीं सोचता, क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए हैं। ठीक है, धर्म अलग अलग है, बनाए हुए उसी ने, और मैंने डॉक्टरी में देखा कोई भी चीज़ फर्क नहीं है, आपका दिल भी वहीं पर है, आपकी नर्व्स भी वहीं पर है, आपका सब कुछ वहीं है, आप किसी मजहब से हो, बल्कि आपका कोई मजहब ना हो, और पैदा करने वाले ने हमें सबको बराबर बनाया। बिल्कुल बनाया, और हमारा आईन ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि हम बराबर हैं। मगर फिर कौन नफरत पैदा कर रहा है? कुछ लोग तो हैं जो नफरतें पैदा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जो हमें दीवारें डाल रहे हैं? तो डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि यूसीसी उसके लिए एक, जो डिवाइड की बात आप कर रहे हैं, यूसीसी सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देगी? आपको सोल्यूशन नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? मैं आपको कहूँ, सोल्यूशन तब लगेगा जब मैं देखूँ, अपने सामने देखूँ कि नफरत का नहीं है, क्या आप पे ये नहीं आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तानी हो, हमने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं इस झंडे को खड़ा करने के लिए, ये आप जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ, हमने यूएन के मंच पर भाषण भी दिया। मर गए, गरीब से गरीब मर गया क्योंकि वो इसके साथ खड़ा था। किसी को आज याद है? सबको याद है फारूक साहब। आप याद तो करते हैं उन 10 आदमियों को जो पार्लियामेंट में जिनका जो शहीद हो गए है, मगर उनको याद करते हैं जो असेंबली में 40 लोग मर गए? उसे कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि बताना नहीं चाहते, वो समझते हैं हम कश्मीरी जो हैं मुसलमान पाकिस्तानी हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आपकी चैनल से, अगर हम पाकिस्तान जाना चाहते थे 47 में हम चले गए होते, आप हमें रोक नहीं सकते थे, नहीं गए। मुझे नहीं, आज भी हम पे शक किया जाता है, आप माने या ना माने, आज भी हमें पाकिस्तानी कहा जाता है, आप माने या ना माने। फारूक साहब, मुझे नहीं लगता आप पाकिस्तानी है, मुझे लगता आप मेरे जैसे इंडियन है। देखता हूँ, वो देखिए आप, अब किससे भी पूछिए। मुझे नहीं लगता कोई भी कश्मीरी पे शक करता है या उसे लगता है कि उसकी निष्ठा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। अपनी मीडिया की तरफ से बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ग्राउंड पे भी गई, नहीं मैं लोगों की तरफ से बात कर रही हूँ, आम लोगों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से बात कर रही हूँ। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप, कश्मीरी को लेकर आज भी शक है,
जब मैं वजीर आजम के पास गया कोविड के बाद हमें बुलाया गया, मैंने वजीर आजम के सामने कहा आपको हम पे भरोसा नहीं, हमें आप पे भरोसा नहीं। उस भरोसे को पैदा करने की कोशिश कीजिए, जिस दिन वो भरोसा पैदा हो जाएगा सब कुछ मिट जाएगा। फिर उन्होंने कहा दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को हमें ठीक करना पड़ेगा। किया ठीक, उन्होंने वादा किया कि जितने बच्चे हमारे बेकार बिल्कुल जिनने कुछ नहीं किया है आज जेलों में सड़ रहे हैं, बाहर की जेलों में, उनके जाके मिलिए उन पर कितना जुल्म किया जा रहा है। उन्हें कमेटी बनाई और हमारे ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इनके सामने कहा कमेटी बनेगी और हम इन सब बच्चों को देखेंगे कि कौन सचमुच इन्वॉल्व है, कौन जो नहीं है छोड़ दिया जाएगा। मैं आज पूछता हूँ आपके चैनल से कितनों को छोड़ा, कौन कमेटी मिली? फिर आप कहते हैं दिल जोड़ने की बात करते हैं, कौन सा दिल जोड़ रहे हैं? हर कोने पे आपने फौज खड़ी कर रखी है, पूरी मुसल्लत कर रखी है, फिर कहते हैं आवाज क्यों नहीं निकालते? सच्चाई छुप नहीं सकती, नहीं नहीं बिल्कुल, बनावट की असूलों से ये खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अच्छा तो डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि आपका गुस्सा मैं महसूस कर पा रही हूँ, एक छोटी सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है। हमने देखा कश्मीर ने प्रोटेस्ट देखे हैं, 2010 में हमने देखा कि करीब 120 लोगों की मौत हो गई थी। आपने जो बिंदु उठाया है डिटेंशन से जुड़ा, मैं उस पर आऊँगी। उसके अलावा हमने देखा 70 बच्चों की मौत हुई थी 2008 में। उसके अलावा 2016 में 65 जो युवा थे ये कश्मीरी थे उनकी मौत हुई थी। आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था के लिहाज से कश्मीर जो है अब बेहतर है? कम से कम एक माँ बाप अपने बच्चे को तो नहीं खो रहे, एक पिता अपने बच्चे के जनाजे को तो नहीं सा... आपको अंदर का लावा नहीं दिखता, आपको बाहर की खूबसूरती दिखती, अंदर का जज्बा नहीं दिखता, नहीं दिखता। डॉक्टर साहब आपको दिखेगा भी नहीं क्योंकि आप लोगों ने वो एनके लगाई है। मैं जब एनको में वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं, और आपके सामने कोई सच्ची बात भी नहीं लाएगा। डर इस बात का कि कल वो जेल के अंदर होगा, उस पर जुल्म किया जाएगा, कुछ नहीं कहता। आप और मैं ही संवाद कर रहे हैं और ओपनली कर पा रहे हैं कि ये बहुत कुछ नहीं कहता डॉक्टर साहब। फारूक अब्दुल्ला अल्लाह के सिवा किससे डरता नहीं है, मुझे जेल का डर नहीं है। मैं जानता हूँ कि अल्लाह ही मौत देने वाला है, अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है, फारूक अब्दुल्ला इनसे अलग है। नहीं लेकिन आपने ये कहा कि बाहर की खूबसूरती है और अंदर लावा है, लेकिन क्या इस बात का कोई जवाब हो सकता है कि शांति अमन, एक पिता को अपने बच्चे के जनाजे को कंधा नहीं देना पड़ रहा, उसको जनाजे में नहीं जाना पड़ रहा? डॉक्टर साहब ये आपको नहीं बहुत लगता? बड़ी बात है, आप क्या उस जनाजे को देखना चाहते हैं? मैं वही तो नहीं देखना चाहती हूँ। जिस दिन जनाजा देखेंगे? नहीं मैं वही तो नहीं देखना चाहती हूँ। आप एक दिन देखेंगे, आप वो वक्त आएगा। नहीं मैं वो जनाजा ही तो नहीं देखना चाहती हूँ। वक्त होता है, हर चीज का वक्त होता है, वो जनाजा देखेंगे आप। लेकिन आपको क्यों लगता है? करते रहेंगे और हमारी आवाज को दबाते रहेंगे, एक दिन आएगा। आप किस जुल्म की बात, नहीं किस जुल्म की बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं इसलिए कह रहा हूँ तो आप लोग सच्चाई से बहुत दूर हैं, सच्चाई से बहुत दूर हैं। लोगों के दिल लोगों को जोतने की जो कोशिश कीजिए वो नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं कि टूरिज्म हो रहा है? नहीं मैं टूरिज्म से सुनिए, कहते हैं ना टूरिज्म हो रहा है, टूरिज्म इंसान के लिए यहाँ है मगर वो यहाँ नहीं है, एक तमाशा है, हमने पहले भी देखा। नहीं आप जब कहते हैं कि जुल्म हो रहा है तो आपका क्या मतलब है? जैसे मैं तो देखती हूँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिजनेसेस अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखना चाहती हैं बच्चे स्कूल नहीं जाए? ना ना मैं ऐसा मैं जो नॉर्मलसी की मेरे लिए डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सारा नॉर्मल दिख रहा है, फिर आप मुझसे बात क्यों कर रही हैं? अगर आपको नॉर्मल सी सब दिख रही है तो फारूक अब्दुल्ला से बात करने की क्या जरूरत है आपको?
नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र में रहती हूँ और उस लोकतंत्र में फारूक साहब की अपनी एक जगह है। आप मेरी बात मानती नहीं, मैं तो आपसे संवाद कर रही हूँ। बहुत दूर है सच्चाई से आप। मैं सच्चाई को आपके आपकी सच्चाई बहुत दूर है। आपकी सच्चाई बहुत दूर है। तो आप मुझे बताएं कि जुल्म आपको क्यों लग रहा है कि जुल्म हो रहा है, क्योंकि आप सड़क पे जाइए तमाम लाइफ नॉर्मल है। ये बताइए जी डॉक्टर, किसी रियासत में आप इतनी फौज देखते हैं, आप इतनी बीएसएफ और सीआरपी देखते हैं, हर गली में आप देखते हैं, जाइए यूपी में देखते हैं आप हर गली में सिपाही देखती हैं आप, यहां जाइए देखिए अपनी आंखों से देखिए। तो वो तो आप देखें कि यहाँ पर जो टेरर के इंसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर साहब, और अब जो वो टेरर के इंसिडेंट हैं, आपको क्रेडिट तो इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा। आप और मेरा बहुत दूर का मामला है। नहीं, हम यूनाइटेड हैं। Agree with me, I don't agree with you. But that is the beauty. That's the end of this interview. We don't agree with each other. But that is why we are sitting. You are concerned. You see everything normal. I don't see it. Therefore, that's the end of it. Find people. To agree with you. No, but I was not. I am not going to agree with you. No, you don't have to agree with me. That's all. इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपको मुझे agree होने की ज़रूरत ही नहीं है, doctor साहब. I don't want to give you any more interview. Okay, doctor साहब. Because you are dependent on only one thing. That everything is normal here. तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको मुझे बताइए. जी. If everything is normal, why are there so many soldiers in every corner? Why? Why? Tell me why. So because there is a situation from across the border to protect our people. You are always talking about out the border. आपने खुद सीएम बनना चाहते? You don't protect inside. नहीं, कितने टेरर हैं? Why protect the border? Why are soldiers in every gully? लेकिन डॉक्टर साहब आप खुद ही बताएं ना, कितने टेरर इंसिडेंट हुए हैं? मुझे बताइए आप. कितने पेल्टिंग इंसिडेंट, स्टोन पेल्टिंग. आप इस रोड पे जाइए, नेशनल हाईवे पे. जी. और देखिए कहाँ कहाँ लोगों को रोका नहीं जाता. खड़े कर दिए जाते हैं. किसी रियासत में आप देखते ही हैं? आप खुद एक ऐसी जम्मू कश्मीर रियासत के सीएम नहीं बनना चाहते हैं? आप नहीं चाहते एनसी जिसने इतना सेक्रीफाइस किया है वो एक ऐसे जम्मू कश्मीर को रूल करे जो कि यूनिफाइड हो, यूनाइटेड हो? यहाँ पे यूनाइटेड नहीं हो. हमने क्या डिवाइड करने की कोशिश की? हमने डिवाइड करने की कोशिश की, बल्कि हमने यूनिटी रखने की कोशिश की. नहीं, यहाँ पर मैं पीओके. जी. मेरे पास 8 सीटें थी अपर हाउस की. जी. मैंने 6 सीटें जम्मू को दी कि उनकी मुश्किलात हम दूर कर सके. कभी ये नहीं सोचा कि वो जम्मू अलग है. नहीं, मैं आपसे जब कह रही हूँ, मैं आपसे जब सबके लिए मदद की. नहीं, मैंने उसमें आपकी इंटेंशन पे सवाल नहीं उठाया डॉक्टर साहब. मैं कह रही हूँ पीओके भी जिसका हिस्सा हो. पीओके से मेरा कोई ताल्लुक नहीं. भारत का स्टैंड ये है जी, कुछ भी हो, पीओके पाकिस्तान के पास है. उसका क्या रोका इनको पीओके लेने से? क्या फारूक अब्दुल्ला ने रोका? मेरी हुकूमत ने रोका? आज 75 साल हो गए, क्यों नहीं लिया? बताइए मुझे, क्या हम जिम्मेदार हैं? लेकिन ये कहते हैं जब ये ऐसी बात करते तो आप कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, जबकि आप एक ऐसे नेता रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के जिसको मुझे कौन कहता आप करिए हमला. उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है, इस्तेमाल कीजिए, मार डालिए हम लोगों को. मैं तो हम ही जाएंगे.